तो चलिए हम देख लेते हैं अब इंट्रेंसिक पाथवे की तो इंट्रेंसिक पाथवे में देखिए इन्वॉल्व इन टिश्यू रिमॉडलिंग इन एम्ब्रियोजेनेसिस तो इंट्रेंसिक पाथवे कहाँ कहाँ होता है तो देखिए टिश्यू रिमॉडलिंग इन एम्ब्रियोजेनेसिस में होता है अगर वह ए रेगुलेटिंग फैक्टर इज विड्रॉन फ्रॉम ए प्रोलीफरेटिंग सेल पॉपुलेशन तो ये और कहाँ होता है तो देखिए जब रेगुलेटिंग फैक्टर को निकाल लिया जाता है किसी भी प्रोलीफ्रोटिंग सेल से तो जब सेल प्रोलीफ्रेट होता है तो वहां से बहुत ज्यादा सेल बन जाते हैं और फिर जब ये फैक्टर जो प्रोलीफ्रेट करा रहा था इसको विड्रॉ कर लिया जाएगा तो यहाँ पे भी ये सेल डेथ हो जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा एपोटोसिस होगी और इंट्रेंसिव पाथवे से ही अपोटोसिस होती है जैसे इंटरल्यूकिन टू आफ्टर अ कंप्लीटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन तो जब इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ये जो प्लाज्मा सेल्स बने थे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है तो इंटरल्यूक्न टू कम हो जाएगा और जब इंटरल्यूक्न टू कम होगा तो ये प्लाज्मा सेल जो बने थे ये इनमें एपोटोसिस हमको देखने को मिलेंगी ठीक है तो वही है कि एपोटोसिस ऑफ प्रोलिफरेटिंग इफेक्टर सेल्स तो इफेक्टर सेल्स जो प्रोलिफरेट हो रहे थे उनकी एपोटोसिस देखने को मिलेगी और ऑल्सो अगर आफ्टर एक्सपोजर टू इंजरियस स्टमलाई तो इंजरियस स्टमलाई की वजह से भी ऐसा हो सकता है जैसे रेडिएशन टॉक्सिंस हाइपोक्सिया तो ये हम यहां पे बात कर चुके हैं कि इसकी वजह से डीएनए डैमेज होगा जब जब डीएनए डैमेज होगा तो गार्जियन ऑफ जीनोम एक्टिवेट हो जाएगा जो कि प्रो एपोप्टोटिक जीन को एक्टिवेट कर देगा और एंटी एपोप्टोटिक जीन को इनहिबिट कर देगा तो ये सारे फैक्टर्स हो गए तो फैक्टर में देखिए टिश्यू रिमॉडलिंग हो गया और यहां पे फैक्टर जो प्रोलिप्रेटिंग को कर रहे थे उसको अगर विद्रॉ कर लेते हैं तब भी ऐसा होगा और इंजरी की वजह से भी ऐसा होगा तो पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों होगा हम शुरू में भी बात कर चुके हैं और ये रेगुलेट किससे होते हैं तो एपोप्टोटिक और एपोप्टोटिक की हम बात कर चुके हैं तो रेगुलेटेड बाय बी सी एल टू फैमिली ऑफ प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स की बीसीएल टू फैमिली से रेगुलेट होते हैं और बैक्स एंड बैग आर प्रो एपोप्टोटिक तो प्रो एपोप्टोटिक में बैक्स और बैग जीन होते हैं तो देखिए बैड फॉर सर्वाइवल तो प्रो एपोप्टोटिक मीन्स ये सर्वाइवल को इनहिबिट करेंगे इसी वजह से बैड फॉर सर्वाइवल से हमको याद रखना है कि बी ए तो बी ए जिसमें आएगा ये प्रो एपोप्टोटिक जीन होंगे वाइल बी सी एल टू एंड बी सी एल एक्स एल आर एंटी एपोप्टोटिक तो देखिए बी सी एल टू और बी सी एल एक्स एल ये देखिए इसमें बी सी एल है तो बी क्लेवर लाइव तो ये देखिए एंटी एपोप्टोटिक है यानी ये लाइव को सपोर्ट करेंगे तो है बी क्लेवर लाइव तो जिसमें बी सी एल है ये एंटी अपोप्टोटिक होंगे और बी सी एल टू और बी सी एल एक्स के साथ एम सी एल वन भी ये एंटी एपोप्टोटिक जीन है ठीक है तो ये हमको याद रखना कि प्रो एपोप्टोटिक बैक्स और बैक है और एंटी एपोप्टोटिक बी सी एल टू और बी सी एल एक्सएल है और बैड फॉर सर्वाइवल से हमको याद रखना कि ये प्रो एपोप्टोटिक है और बी क्लेवर लाइव ये एंटी एपोप्टोटिक है और अब देखिए इसका मैकेनिज्म जो अभी हम यहाँ पे बात करके आए कि बैक्स एंड बैग फॉर्म पोर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो ये बैक्स और बैग ये जो प्रोपोक्टोटिक है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोर का फॉर्मेशन करते हैं और जब पोर का फॉर्मेशन होगा तो उसके वजह से रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी फ्रॉम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म जब ये पोर का फॉर्मेशन कर देंगे तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में

तो साइटोक्रोम सी के रिलीज को ये प्रिवेंट किए रहते हैं यानी ये में ही रहेगा बाहर नहीं आएगा और फिर ये बताया जा रहा है कंडीशन देखिए बीसीएल टू ओवर एक्सप्रेशन अगर ये बीसीएल टू का ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है तो फॉलिकुलर लिम्फोमा हमको देखने को मिलेगा क्यों जब बीसीएल का ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा तो सेल डेथ होगी ही नहीं क्योंकि एंटीबॉप्टोटिक है तो फॉलिकुलर लिम्फोमा देखने को मिलेगा और इसमें ट्रांसलोकेशन ऑफ द टू तो क्रोमोसोम हमको देखने को मिलता है तो टू तो ट्रांसलोकेशन में ओवर एक्सप्रेस होगा जिसकी वजह से फॉलिकुलर लिम्फोमा होगा और जब बीसीएल ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा तो कैसपेस की एक्टिविटी क्या होगी कम हो जाएगी और जब कैसपेस की एक्टिविटी कम होगी तो इसी वजह से ट्यूमरी जेनिस हमको देखने को मिलेगा ठीक है तो ये देखिए जब एंटीबॉक्टोटिक है जब ओवर एक्टिवेट होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सेल ओवर ग्रोथ होगी उसी वजह से ट्यूमर हमको देखने को मिलेगा तो ये हमने इंटेंसिक पाथवे की बात की अब बात कर लेते हैं एक्सटेंसिव पाथवे की एक्सटेंसिव पाथवे को हम डेथ पाथवे भी बोलते हैं डेथ रिसेप्टर के थ्रू ये होता है तो देखिए लाइगेन रिसेप्टर इंटरेक्शन तो इसमें लाइगेन और रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है और फास्ट लाइगेंट टू द फास्ट तो देखिए फास्ट लाइगेंड देखिए फास्ट से ये बाइंड करेगा जिसको हम सी डी नाइन्टी फाइव बोलते हैं और ट्यूमर न्यूक्रोटिक फैक्टर अल्फा बाइंड टू इट्स रिसेप्टर या ट्यूमर एक्नोटिक फैक्टर अल्फा ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा यहाँ पे इसका रिसेप्टर है फिर क्या होगा देखिए फास्ट लाइगन इंट्रेक्शन इज नेसेसरी इन थमिक मेडरी नेगेटिव सिलेक्शन फिर ये बता रहे फास्ट लाइगन और फास्ट लाइगन रिसेप्टर जो है यह इंट्रेक्शन थाइमिक मेडुलरी निगेटिव सिलेक्शन के लिए जरूरी होता है अब यह थाइमिक मेडुलरी निगेटिव सिलेक्शन क्या होता है इसको हम डिटेल में बात करेंगे जब हम टी सेल मेच्योरेशन की बात करेंगे बस अब हम देख लें तो देखिए जब

उसको किल कर दिया जाता है और जिसमें सेल्फ एंटीजन नहीं होता है अदर एंटीजन होता है वो सर्वाइव करता है तो इसी को हम निगेटिव सिलेक्शन बोलते हैं तो यहाँ पे देखिए इस निगेटिव सिलेक्शन के लिए ये फास्ट लाइगेंड रिसेप्टर और फास्ट लाइगेंट का होना जरूरी है यही बताया गया कि फास्ट एंड फास्ट लाइगेन इंट्रेक्शन इज नेसेसरी इन थमिक मेडलरी निगेटिव सिलेक्शन तो यहाँ पर यह जरूरी है ठीक है अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो देखिए ये जिसमें सेल्फ एंटीजन होंगे ये भी अगर सर्वाइव करेंगे तो ये ऑटो इम्यून देंगे क्योंकि हमारे सेल को ये किल करने लगेंगे तो वही यहां पे बताया गया तो देखिए ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफलेटिव सिंड्रोम तो ये ऑटो इम्यून लिम्फोप्रिफिलेटिव सिंड्रोम क्या होता है तो देखिए डिफेक्ट इन फास्ट एंड फास्ट लाइक एन इंट्रेक्शन तो इसमें इंट्रेक्शन के डिफेक्ट की वजह से ऐसा होता है तो फेलियर ऑफ क्लोनल डिलीटेशन तो क्लोनल डिलिटन का फेलियर हो जाता है यानी जो सेल्फ एंटीजन वाले सेल्स हैं इनको किल करना था ये नहीं हो पाएगा इसकी वजह से क्या होगा इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्फ रिएक्टिंग तो सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट का नंबर जो होगा इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगी तो हमको क्या देखने को मिलेगा तो देखिए लिम्फेडिनोपैथी हमको देखने को मिलेगी हिपैटोसप्लेनोम के और ऑटो इम्यून साइटोपेनियास ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी इसकी वजह से तो इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून लिम्फोपोलिटिव सिंड्रोम और उसके बाद फिर देखिए परफोरिन या ग्रे इंजाइम बी पाथवे इसकी हम यहां पे बात कर चुके हैं तो देखिए रिलीज ऑफ ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग परफोरिन एंड ग्रे इंजाइम बी बाय इम्यून सेल्स तो ये देखिए इम्यून सेल्स है इम्यून सेल्स से देखिए ये ग्रे इंजाइम बी है और ये परफोरिन है ये दोनों रिलीज होंगे और ये देखिए साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल्स ये दोनों जो हमारे इम्यून सेल्स है इनसे ये रिलीज होंगे और फिर उसके बाद परफोरिन फॉर्म ए पोर फॉर ग्रे बी तो ये परफोरिन जो है ये ये देखिए ये पोर फॉर्म करेंगे इस ग्रेनजाइम बी के लिए जिसके जरिए ये ग्रेनजाइम बी अंदर जाएगा तो वही बताएगा कि ग्रेनजाइम बी टू इंटर द टारगेट सेल तो ग्रेनजाइम बी टारगेट सेल में इंटर हो जाएगा और ये एग्जीक्यूशनल कैसपेस को एक्टिवेट करेगा बाकी सेम बात यही है कि एग्जीक्यूशनल कैसपेस यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंटेशन कराएगा कैरियर एग्जिस और पॉइग्नोसिस कराएगा इसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक ब्लेबिंग होगी और एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन होगा और फिर यहाँ पे फॉस्टफोटोडायल सीरिन प्रेजेंट होगा इस फॉस्टफोटोडायल सीरिन की मदद से ये माइक्रोफेडिस को पहचान लेगा और यहाँ से माइक्रोफेज इसको इनगल्फ कर जाएगा ठीक है तो ये हमने आज की वीडियो में बात कर लिया एपोटोसिस की एंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक और परफोरिन या ग्रे इनजाइम बी पाथो सब की बात कर ली तो ये पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों हो सकता है और इसमें गार्जियन ऑफ़ जीनोम जिसको हम पी फिफ्टी थ्री बोलते हैं इसका बहुत मेजर रोल होता है और ये गार्जियन ऑफ जीनोम ये एंटी एपोप्टोटिक और प्रो एपोप्टोटिक दोनों को गाइड करता है और दोनों को कंट्रोल करता है तो

फैस और लाइगेंड इंट्रेक्शन अगर इसमें परेशानी आ रही है तो उसकी वजह से ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम हमको देखने को मिलता है और इसमें क्या होता है कि जो निगेटिव सिलेक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है इस वजह से हमको ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफिलेटिव सिंड्रोम देखने को मिलता है